हिंदुस्तान क्यों नहीं बन पा रहा हिंदू राष्ट्र, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने किया खुलासा, आप भी देखें। आप जिस दिन सनातनी बने तब प्रधानमंत्री के ऊपर भी ये दबाव हो गया कि 90 करोड़ लोगों ने मुझे राष्ट्र निर्माण के लिए भेजा है, और उसी के कारण भगवान राम के मंदिर की जब नींव रखी जा रही थी तो प्रधानमंत्री भारत का था लेकिन वो दंडवत प्रणाम राम मनचंद्र जी के सामने लेटा हुआ था। उसके कपड़े भी भगवा थे, उसको कोई शर्म, उसने नहीं कहा कि मैं सेकुलर भारत का प्रधानमंत्री हूं, संविधान वही था, प्रधानमंत्री का पद वही था, वो तो पशुपतिनाथ में भी 8 घंटे पूजा करके निकला, वो तो केदारनाथ में भी जाके बैठा। वो ये किसी को नहीं बता रहा है, उसको ट्रंप को नहीं मैसेज देना है, उसे मुझे और आपके सनातनियों को दे रहा है। जब मैं प्रधानमंत्री की पोजीशन में ये कर सकता हूं तो तुम क्या करते हो यार, तुमको किससे पढ़ना लेना है, आपको किसका इंसान है। उस पद पे बैठ के आपके लाल किले से हिंदू राष्ट्र की मैं घोषणा करता हूं, ये नहीं हो सकता। 90 करोड़ लोग एक बार हिंदू होने के तो अपना परिचय दें कि हम हिंदू हैं। हिंदू होने का मतलब यह नहीं होता है कि आपने दीपावली मनाई और होली मनाई। हिंदू होने का अर्थ होता है आपने सनातनी होते हुए किया क्या। और मैं दुर्भाग्य मानता हूं कभी कभी, हम और आप में से भी अगर उस पद पे कोई बैठा होता, उस मनोदशा को समझिए, क्योंकि ये बातें करने से आपको लगता है कि नहीं, आप समझिए, अपने आप को उस पोजीशन पर रखिए और सोचिए कि यार 90 करोड़ लोगों के लिए मैं भी अपना समय पार करके चला जाता, इतिहास में बहुत लोगों का नाम है उसका भी नाम लिख जाता, लेकिन वो जिस मनोदशा में काम कर रहा है उसमें वो ये चाहता है, वो चाहता है कि 90 करोड़ लोग रोज नई मांग करें ऐसी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो और सड़कों पे निकल पे करें, पूरी दुनिया देखे कि भारत के 90 करोड़ चाहते क्या है। घर में लेट करके चाहने से कुछ नहीं होगा। आपने दबाव बनाया इसीलिए अयोध्या भी हुई और अब काशी भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। नाजायज बातों की मांगे कर रहे हैं वो दबाव में ले रहे हैं, आप जायज मांग तो करिए, आप पे लाठी चार्ज नहीं होगा। क्या नहीं लगता आपको उसको दुनिया के हजारों लाखों लोगों संस्थाओं संगठनों के सामने कहां कहां क्या क्या करना होता होगा, इसलिए वो चाहता है कि इस देश में अगर 90 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ सनातनी 1 महीने का व्रत रख करके दिल्ली में बैठ जाएं, जितने कानून बने हैं 24 घंटे में निरस्त हो जाएंगे। अपने ऊपर थोड़ा एहसास करिए, सरकार बनाइए, सरकार पे दबाव डालिए, उसे डराइए, गिराइए मत। ये जो हमें बीमारी होती है कि देखिए हमारा काम नहीं, इन्हें हटा देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर उन्हें लाएंगे जो आलू से सोना बना रहे हैं, किन्हें लाएंगे, उनके पोस्टर लगे थे जब मैं आपके शहर में आया, अब वो नहीं आई हैं, वो कहती हैं मैं इंदिरा गांधी जैसी हूं क्योंकि नाक मेरी ऐसी है। उनके विज्ञापन में मैंने देखा हम फ्री बस चलाएंगे, 70 सालों में लोगों की हालत कर दी कि बस से उतर ही नहीं पा रहे, वो अभी भी हमें फ्री में ले जा रही है बस में, कार हमारे लिए नहीं, कार में तो वो जाएंगे वाड्रा साहब। और ऐसे लोग खुल के मूर्ख बना रहे हैं आपको, और आप कह रहे हैं देखो ये इंदिरा जैसी दिखती है, तो क्या करें, इंदिरा जैसी दिखती है तो हम अपने नैरेटिव को नहीं समझना चाहते, इसलिए बदलाव तो है और ये बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। मैंने सुना है कि भोपाल में कुछ लोगों की आवाज तेज हो गई है ज्यादा, जगह जगह बहुत सारे नारे लग रहे हैं, वो जो हैदराबाद वाला जोकर है उसकी कुछ विचारधारा के लोग यहां ज्यादा गुणगान कर रहे हैं। खुल के पूछिएगा दो बात, इसमें कुछ असंवैधानिक नहीं कह रहा, न आपत्तिजनक कह रहा, न किसी के मजहब को गाली दे रहा। प्रॉफिट मोहम्मद के दमाद अली की हत्या, फजर की नमाज होती है सुबह 4:30 बजे, उस फजर की नमाज में मस्जिद में हत्या किसने की थी,
प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी बेबी फातिमा को उनके घर में आग लगा करके दरवाजे के नीचे जला के किसने मारा था? प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों को करबला के मैदान में पानी न दे करके जिंदा किसने मारा था? रामलाल ने, श्यामलाल ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, किसने मारा था? जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद के सगे नहीं हुए, उनकी बेटी के सगे नहीं हुए, उनके नवासों के सगे नहीं हुए, आप उनसे कहते हैं इनसे हमारा भाईचारा है? किस गलतफहमी के शिकार हैं? दो बड़े सेट हैं, सेट बाकी बहुत सारे हैं, उसकी बात नहीं करता। आप सोचिए कि आप किस कंफ्यूजन में रहना चाहते हैं, किस डर में रहना चाहते हैं, किससे अनुमोदन कराना चाहते हैं? आज भी 2021 में भी मुहर्रम ऑब्जर्व करते हैं। किसी ने पूछा ये शिया मुहर्रम में क्या करते हैं, ये मातम क्यों करते हैं, ये सीनों पे छुरी मार मार के खून क्यों निकालते हैं, ये या हुसैन क्यों कहते हैं, या यजीद किसे कहते हैं, किनको गाली देते हैं, किनके बारे में बुरा भला कहते हैं, ये हमने जानने की कोशिश नहीं की। ये शिया मातम इसलिए मनाते हैं, उनसे सीखिए, जो लोग आपके पूर्वजों के हत्यारे हैं, जिन्होंने आपकी नस्ल दर नस्ल हत्या की है, अगर आप उन्हें भूल जाते हैं तो फिर इतिहास आपको भी भूल जाता है। इसलिए शिया इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में मुहर्रम मनाते नहीं, ऑब्जर्व करते हैं। वो दुख का दिन होता है और उस दिन इमाम अली को, बीवी फातिमा को, उनकी जो बेटी थी, जो अली की पत्नी थी, उनके नवासों को मारने वालों को कोसते हैं ताकि दोबारा से वो न पैदा हो पाए। उनके लिए मनाते हैं, उनके और इनके बीच में झगड़ा इतना है, आपका तो है ही नहीं, आप तो खामखा बीच में आ जाते हैं। पाकिस्तान ने अपने यहां शियाओं का को मुसलमान नहीं मानते, वो उनका कत्ल वाजिब है वहां पर। इसलिए मैं मानता हूं कि इस्लाम को लेकर के सुनी सुनाई बातें ना करें, तथ्यात्मक बातें करें। तीनों शुरू के खलीफा मारे गए और वो कहते हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। कोका कोला वालों को पता चल जाए ये एड तो बेच देंगे वो। और आप कहते हैं सारे मजहब बराबर हैं, सारे धर्म बराबर हैं। आप खामखा कह रहे हैं क्योंकि आपको भाईजान की सेवैयां खानी है जबरदस्ती में, हमें दिखना है ऐसा। अरे किसी को गाली मत दो, किसी को मारो मत, लेकिन सच बात तो बोलो यार। जिस सच का ढिंडोरा हम पीटते हैं, हमें माता ने कहा है सच बोलने के लिए, पिता ने कहा है सच बोलने के लिए, तो सच बोलो ना यार। भाईजान के सामने जाने के सामने फिर चारा क्यों हो जाते हैं आप? सच बोलो कि ये चीज ही नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर, नथिंग मोर देन दैट। पूरी दुनिया में ये कर रहे हैं। तथ्यों पे बात करिए, क्या मैंने उनके बादशाह में कोई गुस्ताखी की है क्या? उनकी बेटी का नाम फातिमा था तो मैंने फातिमा बीवी कहा, या नहीं? यह हाल था कि जब उनके शौहर की हत्या कर दी गई तो जो उनकी बेटी थी फातिमा, उनके पास खाने के लिए नहीं था तो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो बाग जिसके अंदर बहुत सारे फल लगे हुए थे उसे बागे बिद्दत कहते हैं, बिदर कहते हैं, वो लेने गई तो अबू बकर जिसकी बेटी 7 साल की थी, जिससे निकाह किया था 54 साल के युवा ने, उस अबू बकर से लेकर के जितने बैठे हुए थे भरी सभा में गई और कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे मेरे हिस्से का वो बाग दे दो। उसकी हंसी उड़ाई, उसका मजाक उड़ाया उनकी बेटी का। वो घर वापस आई, उनके घर में फाके पड़ रहे थे, वहां यहूदी रहते थे, उन यहूदी औरतें उनके घर गईं और उनसे कहा कि आपकी चिमनी से कई दिन से धुआं नहीं आ रहा है, क्या घर में फाका हो रहा है क्या?
उन यहूदी औरतों ने प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी को खाना खिलाया। और पागलपन देखिए, वो यहूदी प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी को खाना खिलाते हैं, उनकी मदद करते हैं, और ये क्या कहते हैं, ये यहूदियों को काफिर मानते हैं, इनको मारना जायज है। लेकिन जहालत की पराकाष्ठा देखिए क्या है, पिछले 1400 साल में घूम करके दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, इन्होंने सुई नहीं बनाई, पेंसिल नहीं बनाई, लेकिन इतने ज्ञानी हैं कि उस यहूदी काफिर और हिंदू काफिर को उसी के बनाए हथियार से मारेंगे। हथियार चाहिए इन्हें काफिर का, और फिर इन्हें करना है जंगे बदर। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कम हो रही देश की जनसंख्या, जबरन नियंत्रण से बिगड़ जाएगा जेंडर बैलेंस, जयशंकर। देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई चल रही चर्चाओं के बीच में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस की वजह से भारत की जनसंख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। गुजरात में एक इवेंट में बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर गिरने लगी है, इसके कुछ कारण हैं जिनमें शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समृद्धि शामिल है। देश में अब हर परिवार का आकार समय के साथ साथ छोटा होता जा रहा है। जयशंकर ने गुजरात के इस इवेंट में रविवार को अपनी बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड को गुजराती भाषा में लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या से जुड़े कई पहलुओं पर विस्तार से बात की और कहा कि शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समृद्धि जैसे कारणों की वजह से भारत की जनसंख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा, आज़ादी के बाद से भारत ने अपनी जनसंख्या की संरचना में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा है। देश की जनसंख्या की संरचना जनसंख्या विस्फोट से भी गुजरी है, यही नहीं कुल प्रजनन दर में भी गिरावट देखी गई है। वहीं अलग अलग मृत्यु दर संकेतकों में काफ़ी सुधार हुआ है। हालांकि लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार करने, स्किल और ट्रेनिंग देने, रोजगार पैदा करने के मामले में जनसंख्या की लाभ हासिल करने में भी कई बाधाएं मौजूद हैं। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस WPP 2022 के मुताबिक भारत 2023 तक 140 करोड़ आबादी के साथ चीन को पछाड़ देगा और दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। भारत में इस समय विश्व की आबादी का 17.5% हिस्सा वास करता है। यही नहीं, WPP का ये भी अनुमान है कि भारत की आबादी 2030 तक 150 करोड़ और 2050 तक 166 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। जयशंकर ने कहा कि जनसंख्या पर जबरन नियंत्रण करने से कई गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसा करने से लैंगिक असंतुलन भी पैदा हो सकता है। 2021 में भारत की कुल प्रजनन दर TFR प्रजनन के रिप्लेसमेंट लेवल से कम होकर 2 पर आ गई। प्रजनन का रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होना चाहिए। वहीं जयशंकर ने भारत की स्वतंत्रता विदेश नीति पर भी बात की, जिसमें PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदला गया है। जयशंकर ने कहा, कुछ राजनीतिक कारण हैं, इसलिए हमें इजराइल के साथ संबंध बढ़ाने से खुद को रोकना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय PM थे जिन्होंने इजराइल का दौरा किया था। वह वक्त अब चला गया जहां अब हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश हित को अलग रखते थे।